नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपके साथ खुशबू। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई है, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। छठ का पहला अर्घ षष्ठी तिथि को दिया जाता है। इस बार पहला अर्घ 20 नवंबर को दिया जाएगा। अर्घ देने के कुछ नियम हैं, जैसे अर्घ देने के लिए जल में जरा सा दूध मिलाया जाता है। बहुत सारा दूध व्यर्थ ना करें। टोकरी में फल और ठेकुआ आदि सजाकर सूर्य देव की उपासना करें। उपासना और अर्घ के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। प्रयास करें कि सूर्य को जब अर्घ दे रहे हों तो सूर्य का रंग लाल हो। साथ ही आपको बता दें कि अंतिम अर्घ सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अरुण वेला में दिया जाता है। इस बार अंतिम अर्घ 21 नवंबर को दिया जाएगा। व्रत का समापन कर प्रसाद ग्रहण करके ये व्रत पूरा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।